हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 2 तारीख है, छठा महीना 2023, और आज हम अपना डेली का एनालिसिस करेंगे। आज ज़रा तबीयत ऑफ थी, इसलिए मैंने दोपहर में मैं करा नहीं, मैं आराम कर रहा था। तो ये एनालिसिस आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले किया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और उसके टारगेट एग्जैक्टली ये वाले हाई होंगे सारे। ये रहा इसका बिफोर, ये एंट्री मैंने पर्सनली ली थी, मैंने स्टोरी में लगाई भी थी, और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे पूरा हो चुका था। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे मार्केट ने इसको एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो इस सप्लाई को रहने देते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, सारी चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि किस तरह मार्केट इसको अनफोल्ड करेगी। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो सेलर्स हैं वो 83% हैं, बायर्स कम है, यानी हमने बाय की तरफ ज्यादा देखना है। तो अब चांसेस यही है कि मार्केट ये वाली जो सप्लाई है, ठीक है, ये वाली सप्लाई है, ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूं, चांसेस आर हाई दैट दिस सप्लाई मे गेट वायलेटेड, ठीक है। चांसेस आर हाई दैट दिस सप्लाई मे गेट वायलेटेड, यानी खदशा है इसका कि ये वायलेट हो सकती है। और इसको हम यहाँ पे लगाएं तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट मार्केट में स्ट्रक्चर भी है, बन चुका है, ठीक है। इसको लगे रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर सेल भी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने बाय का सिनेरियो देखना है। यहां पे मार्केट ने, अगर आप देखें इस पूरे स्ट्रक्चर को, हाई लो हाई लो हाई एंड लो हाई एंड लो, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। जो नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने आज से, कल से ये फैसला किया था, सिर्फ हाई एंड लो की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, चाहे वो बुलिश में हो चाहे वो बेरिश में हो, ठीक है, ताकि मजीद आसानी रहे। यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। तो ये जो एरिया है, ये पॉइंट हमारे लिए काफी ज्यादा वैलिड रह चुका है। अब हम इसको देखते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां पर अगर आप इसको देखें, इंड्यूसमेंट यहां पे मार्केट में एफटीआर भी है, इसको आप एज इंड्यूसमेंट भी ले सकते हैं। मार्केट यहां पर आई थी, लेकिन मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, इवन स्ट्रक्चर भी टेस्ट मार्केट ने इसका ये वाला नहीं किया है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट इसको टेस्ट करके जरूर गई है, लेकिन इसको हम मजीद, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा करना चाहें तो यहाँ बीच में 50% आप मार्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से हमें बाय की ट्रेड देगी, ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं अगर बीच के अंदर कोई यहाँ मिलता है तो। यहां पर हमारे पास ये वाला एक एरिया जरूर है 15 मिनट में, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ट्रैप रहेगा
हो सकता है मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जाए भी, लेकिन मैं ऐसा मुझे लगता है कि ये मार्केट यहाँ पे ट्रैप रहेगा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल उसके तहत, क्योंकि नीचे जो है मार्केट ने एक पुश दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर भी छोड़ा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने बाय में जाना है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी यहाँ तक, और अगर ऊपर यहाँ पर देती है क्लोजिंग तो ये एरिया काइंड ऑफ वैलिड रहेगा हमारे लिए, लेकिन हम वेट करेंगे इस एरिया का यहाँ तक मार्केट आ जाए। अदरवाइज यहाँ पे हमें अगर हमारी कंफर्मेशन मिलती है, रिजेक्शन मिलती है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है, मार्केट लो बनाती है, हाई बनाती है, देन मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करती है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है इस प्रीवियस हाई को, तब तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे आराम से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ये एरिया रहेगा। बाकी सप्लाई हमारी इसकी एज इट इज हम छोड़ देंगे। इसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, 1.24387, 1.24035। ठीक है, चलते हैं अपने इसकी तरफ, गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अब क्या सीन है, गोल्ड अब जा रहा है ऊपर। अगर आप देखें मार्केट ने ये करेक्शन पूरी की और ये एक मूवमेंट दिया इंपल्स, मार्केट ने ये करेक्शन अब जो पूरी की है, अब मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। फर्स्ट टारगेट मार्केट का ये जो एक लिक्विडिटी एरिया है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तब हम कंफर्म समझ जाएंगे कि मार्केट अब बाय की तरफ अपना जो हाई है, ये देखिए मार्केट में टर्न भी हो चुका है, ये वाला जो हाई है मार्केट इसको टच जरूर करेगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को हम इसको मार्क भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर अनफोल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरिया है और मुझे यहाँ पर दो एरिया दिख रहे हैं बड़े कोई क्लासिक किस्म के। एक तो सिंपल ये एरिया है जो मैंने कल अपने ट्रेडिंग व्यू के जो अकाउंट में पोस्ट किया था, वो एरिया भी आप जाके देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे। एक सिंपल ये वाला एरिया, एक इस पूरे को हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, और इसका हम 50% ले लेंगे। ठीक है, एक एरिया है ये वाला मार्केट ने, अगर आप देखें ये दोनों एरियाज मार्केट ने लिक्विडेट किए हैं। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडेट किए हैं और ये वाला जो मार्केट का एरिया है, मार्केट ने काइंड ऑफ इसको मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट आउट किया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं टेस्ट किया है, लेकिन इसकी तरफ मार्केट बढ़ी है। तो अगर हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं तो हमें साफ पता लग रहा है कि मार्केट ने इस वाले एरिया को लिक्विडेट किया है और इसको मार्केट ने टेस्ट किया है, नीचे वाले को, यानी इस वाले को मार्केट ने टेस्ट किया है, इस वाले को मार्केट ने लिक्विडेट किया है और मार्केट दोबारा इस जगह पर आई नहीं है। H1 में अगर हम देखें तो बिल्कुल एक हमारे क्लासिक एरिया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये एरिया तो मैंने मार्क कर ही दिया, लेकिन ये वाला एरिया बहुत क्लासिक है, बहुत प्यारा है, ये हमें जरूर देगा एक अच्छी बाय ट्रेड अगर मार्केट यहां तक आती है तो। अदरवाइज मार्केट ये 15 मिनट का जो एरिया है यहां तक आ सकती है। ठीक है, इसकी मैं आपको कीमत बता देता हूं, 1968.41 और 1958.88। ठीक है, और ये नीचे वाला 1956.73, 1953.72 ये रहेगा,
और यही हमारी एज इंड्यूसमेंट भी रहेगी, लेकिन हाईली डाउट कि मार्केट इस जगह पर आएगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है। ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, हम इसको इसी तरीके से सिंपल मार्क कर देते हैं, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि दो जोन है, अगर इसको मार्क करूंगा, अगर ऐसे लेंटिंग होती है मार्केट नीचे तक आ सकती है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्केट यहां पर आ सकती है और यहीं से ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहीं से हमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखेगी। अगर यहां पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो एक छोटा सा ऑर्डर 0.02 एक स्मॉल लॉट सेंट लॉट आप यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और यहां ऐसे लगा सकते हैं, ताकि अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करती है और यहां से ऑर्डर पिक करती है और ऊपर की तरफ मार्केट चली जाती है। ठीक है, आज पहला जुम्मा है, मैं एक फंडामेंटल मार्केट की न्यूज होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं होती, फंडामेंटल हम नहीं देखते लेकिन आगाह जरूर कर सकते हैं। 5:30 बजे न्यूज है, ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल। अब इसका अगर मैं डेटा आपको बताऊं, इसको हम खोल लेते हैं, अच्छा जी, पहले था 253 के और अभी है 1,00,000, फोरकास्ट है, ये कह रहे हैं कि फोरकास्ट जो है वो इतना आएगा। इसको रीड कैसे करते हैं हम, मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब ये फोरकास्ट दिखा रहा है 193, अगर जो एक्चुअल है यानी जो न्यूज आएगी इससे ज्यादा आती है तो यानी यूएसडी जो है वो अब जाएगा, ऊपर जाएगा, और यूएसडी के साथ जो पेयर हैं जितने भी वो सारे डाउन जाएंगे। ठीक है, यूएसडी कैड ऊपर जाएगा और जीबीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी और गोल्ड, ये जो यूएसडी है जितने भी ये यूएसडी हैं ये सारे के सारे नीचे आएंगे, अगर एक्चुअल न्यूज इससे ज्यादा आएगी। अगर जो फोरकास्ट है वही आया, इतना ही आता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता। तो इस तरीके से आप जो फंडामेंटल न्यूज है उसको आप देख सकते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ये इम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तकरीबन इन्होंने फोरकास्ट प्रीवियस जो है वह 3.4 आया था, कोई खास यहाँ पर हुआ नहीं था, और ये भी अब जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 आएगा। ठीक है, इनके मुताबिक ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, इसमें भी सेम जो फोरकास्ट है जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर एक्चुअल इससे ज़्यादा आता है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा फिर गवर्नमेंट को, तो यूएसडी जो है वो अब जाएगा। ठीक है, अगर एक्चुअल कम आता है फोरकास्ट से तो यूएसडी जो है वो नीचे आएगा और बाकी सारे पैर यूएसडी के साथ वो जो जीबी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहला जुम्मे को नॉन फॉर्म पेरोल होता है, इसलिए मैं तो ट्रेड नहीं करता। तो हमारे जितने भी क्या कहते हैं ये एनालिसिस हैं, ये सिर्फ टेक्निकल बेस्ड होंगे। अगर आज कोई न्यूज इवेंट होता है एनएफपी का, कोई ज्यादा हाई न्यूज चली जाती है, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है जो मैंने आपको लगा के दी है, ये बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी और फिर ऊपर चलती चली जाएगी या फिर नीचे चलती चली जाएगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल बेस पे चलते हैं और टेक्निकली ही मामला चलता है, लेकिन कभी कभार जब बड़ी न्यूज होती है, जो क्रिटिकल न्यूज होती है, वो इनको वायलेट कर देती है। ठीक है, तो फंडामेंटल न्यूज आप इन एरियाज को 5:30 बजे के बाद ही आप देखिएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर चलते हैं मामला। ठीक है, ज्यादा तकरीबन कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है,
2 या 3 घंटे तक इसकी मूवमेंट रहती है, अगर ऊपर गया तो 200-300 पिप तक चली भी जाती है। ठीक है, बहरहाल चलना मार्केट को टेक्निकली होता है, जैसे अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, ट्रेंड ऊपर का है, और मार्केट नीचे जाती है तो नीचे जाएगी वो बिल्कुल नीचे नहीं चलती चली जाएगी, वो नीचे जाके और ऊपर की तरफ फिर आहिस्ता 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 इस तरीके से जाती है। अगर आपने फंडामेंटल न्यूज़ फॉलो की है, जिस तरीके से ये आप देखें, यहाँ पर मिसाल है, जो यहाँ फंडामेंटल न्यूज़ थी, एकदम मार्केट ऊपर गई और फौरन से मार्केट नीचे की तरफ गई, अब मार्केट आराम आराम से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यूज़ की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बेस एनालिसिस है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो सकता है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल वीकली एनालिसिस में, जो भी होगा मैं आपको कल बताऊंगा, ये अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।